नमस्कार। इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि सिलाई मशीन मार्केट में कितने प्रकार के उपलब्ध हैं, क्यों? क्योंकि यदि आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं ये वीडियोस देखने के बाद और सीखने के बाद, तो आपको जरूरी होगा ये मशीन कम से कम मार्केट से खरीदना। और आपको कौन सी मशीन खरीदना है, किस प्रकार की मशीन आपके लिए सूटेबल है, आपके किस प्रकार के काम के लिए, इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। और साथ साथ ये भी चर्चा करेंगे कि एक टेलर को मशीन का मेंटेनेंस किस प्रकार से करना चाहिए, अगर उसमें ऑयलिंग की अगर ज़रूरत होती है तो उसमें से किस प्रकार से ऑयलिंग दी जानी चाहिए। तो मैडम जी से रिक्वेस्ट करते हैं, कृपया हमें इस मशीन के बारे में और गहरी जानकारी दें। हाँ नमस्ते। देखो मशीन के तो तीन प्रकार होते हैं, तो ये जब हम अभी देख रहे हैं वो एक है टेलर मॉडल, सॉरी ये है फैमिली मॉडल। फैमिली मॉडल का मतलब ही हम समझ सकते हैं कि जो हम घर में यूज कर सकते हैं ये वो मशीन है। मशीन ये जो मशीन आती है तो मशीन फैमिली मॉडल की और टेलर मॉडल की, उसमें अच्छी तरीके से जैसे अभी सर ने बताया तो एक उषा का बहुत नाम है, उषा मशीन है, उषा कंपनी की आती है, मेरिट की है, नोवेल की है, वो अलग अलग टाइप की भी मशीन यहाँ आती है। जैसे कि आप चाहे तो ये सादा मशीन हम देख रहे हैं, फिर जिगजैग की आती है, एक कांच की मशीन आती है, एम्ब्रॉयडरी वाली मशीन आती है। तो पहले हम फैमिली मॉडल का है तो हम घर में यूज कर सकते हैं। दूसरा जो पार्ट है, दूसरा टाइप जो मशीन का है वो टेलर मॉडल है। टेलर मॉडल ज्यादा करके टेलर लोग यूज करते हैं। उसका जो नीचे का पहिया जब भी हमने पहले बताया, ऊपर वाला ये बैलेंस व्हील और नीचे का जो व्हील रहता है वो बड़ा रहता है। जितना बड़ा व्हील रहेगा उतना स्पीड मशीन का ज्यादा रहेगा और हम जल्दी जल्दी सिलाई कर सकते हैं। और तीसरा मॉडल रहता है वो रहता है कि इंडस्ट्रियल मॉडल। इंडस्ट्रियल मॉडल नाम के हिसाब से हम देखें तो इंडस्ट्री में ही ज्यादा वो काम करते हैं, कोई भी टेलर वो मॉडल यूज नहीं करता, वो इंडस्ट्री में ही सिर्फ यूज किया जाता है। अभी हम देखेंगे कि मशीन का मेंटेनेंस हम कैसे करेंगे, वहां तेल कैसा डालेंगे। और हमेशा हमें देखना है कि जो तेल हम लेंगे वो हम सिर्फ स्पिंडल ऑयल ही लेंगे, ना कि कभी हम घासलेट या खोबरेल तेल, या हम बोलते हैं हम जो तेल मतलब दोस्तों नारियल का तेल, या हम यूज में जो हम किचन में जो यूज करते हैं वो कौन सा भी हम तेल इसमें यूज नहीं करेंगे। स्पिंडल ऑयल जो स्पेशली सिलाई मशीन के लिए ही मिलता है वही हम यूज करेंगे। वो यूज करने का देखो यहाँ हमारे मशीन के ऊपर यहाँ तीन छेद रहते हैं, वहां हम सिर्फ एक एक बूंद ही वो डालेंगे। फिर ये जो प्रेशर फुट है, नीडल बार है, यहाँ भी हम एक एक बूंद डालेंगे और थोड़ा उसे मशीन को घुमाएंगे, फिर वो तेल नीचे चला जाएगा। फिर हम देखेंगे अंदर का पार्ट जो है वहां हम सफाई उसकी कैसे करेंगे और उसको ऑयलिंग कैसा करेंगे। मैं उससे पहले एक और क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि हमको ये ऑयल कितने बार या कब कब कितने दिनों के। हाँ, जैसे हम ज्यादा कपड़ा सिलाई करते हैं तो हमें दो दिन के बाद सब मशीन साफ करके, क्योंकि हम सिलाई के बाद जब कपड़ा सिलाई करते हैं तो यहाँ नीचे जो छेद होता है या एक दातरे पट्टी रहती है उसमें कुछ ऐसे कपड़ों के, कॉटन के कपड़े के ज्यादा कुछ ऐसी पाउडर जैसा ही नीचे जम जाता है। यह हम अगर मशीन ऐसा खुला ही घर में छोड़ते हैं तो उसके ऊपर कुछ धूल वगैरह जाके अंदर सब बैठ सकता है। तो इसके लिए हम दो दिन में वो सब साफ करके थोड़ा ऑयल डाल के फिर वैसा रख के फिर थोड़ी देर बाद सब साफ करके फिर से हम वो यूज करेंगे। और फिर अच्छा मैम, यदि हम ऑयल डालते हैं तो किन चीजों का ध्यान रखना है? हाँ, ऑयल डाल कपड़े गंदे ना हो। हाँ, नहीं, कपड़े डालते समय मतलब हमें मैंने बोला था जैसे कि पहले हम ऑयल डाल देंगे, फिर एक 5 मिनट के बाद वो हम कपड़े से साफ कर लेंगे सब, ना कि हम ऑयल डाल दिया और फिर झट से बैठ गए सिलाई करने के लिए। कि अगर हम सिलाई करने को बैठे तो यहाँ से ये निडल बार से या नीचे से कोई भी ऑयल का धब्बा हमारे कपड़े के ऊपर लग सकता है। इसके लिए हम ऐसा करेंगे, चाहे तो फिर एक छोटा सा पुराना कपड़ा लेके इसके नीचे थोड़ा ऐसा रख देंगे तो सब वो एब्जॉर्ब कर लेगा और हमारा मशीन साफ रहेगा। फिर भी हम सब एक बार पोंछ लेंगे और फिर यूज करेंगे कपड़ा। अभी देखो हम जब तेल डालेंगे, पहले अगर है कि हमारी मशीन कभी चल नहीं सकती तो उसके लिए हमें समझना चाहिए कि नीचे शटल में हमारा कुछ धागा अटका है इसलिए हमारी मशीन भारी चल रही, इसलिए हमें पहले ये पट्टा निकाल देंगे और फिर मशीन निकाल के बाजू में रख लेंगे। और ध्यान में रहे जैसे ये पोजीशन में हमने निकाले है स्क्रू वैसे ही हम निकालेंगे। तो ये बड़ा सा स्क्रू ड्राइवर लेके ये दो स्क्रू जो है यहाँ वो हम पहले निकाल देंगे।
अच्छा, ये तो लूज ही रहता है या नहीं? वो तो पहले से ही टाइट ही रहता है, टाइट ही रहने चाहिए। हाँ, अभी हमने प्रैक्टिकल के लिए थोड़ा लूज करके रखा था ताकि हम पूरा खोल देना है ये। हाँ, पूरा खोल के हम वो ये पूरा शटल जो है वो हम बाहर निकाल देंगे। ये देखो, ये शायद खुल गया। ये देखो, हाँ एक मिनट, अभी खुला नहीं है। हाँ जी, नहीं पूरे स्क्रू बाहर निकाल दो, पर हमेशा ध्यान में रखें कि हम स्क्रू संभाल के रखें, नहीं तो इधर इधर अगर कोई गुम हो गया तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। ये देखो, ये हमने शटल निकाल के लिया, देख सकते हैं शटल बोलते हैं, इसको शटल बोलते हैं। ये शटल बॉबिन के इसी में ये बॉबिन फिट हुई है, तो ये बॉबिन भी हम पहले निकाल लेंगे। अभी ये शटल में अगर यहाँ कहीं धागा अटका तो फिर मशीन भारी चलती है या कभी कभी चलती ही नहीं, जितना इधर कचरा ज्यादा हुआ उतना वो मशीन चलती नहीं है। अच्छा। तो इसके लिए ये धागा अटका हुआ है। हाँ, धागा अटका हुआ है, इसको निकालने का तरीका है ये देखो, ये पीछे भी एक स्क्रू है, तो ये स्क्रू भी हम अभी खोल देंगे। ये देखो, और देखते मतलब निकालते समय ध्यान में रखें कि ये कैसे निकाला था वैसा ही हम सही से लगाएंगे। ये इसके ऊपर ये एक पट्टी रहती है घोड़े के नाल के जैसी, वो फिर ये हम निकाल देंगे। अभी ये देखो, यहाँ बीच में सब धागा अटका हुआ है, इसलिए ये धागा हम पहले निकाल लेंगे, सब ये पोंछ लेंगे कपड़ा, ये भी एक बार पोंछ लेंगे साफ करके। और फिर ये लगाते समय ये जो डंडी वाली बाजू है, ये डंडी वाली बाजू है, ये हम ऐसे नीचे करेंगे, ऐसे पकड़ के यहाँ रखेंगे। और फिर उसके बाद ये जो पट्टी हमने निकाली थी ये भी साफ करके ये फिर से इसके ऊपर रख देंगे। अच्छा, ये फिक्स हो जाता है। हाँ, ये फिक्स हो गया, दो यहाँ एक छोटी छोटी डंडी है उसमें फिक्स हो गया। फिर ये पट्टी फिर से हम साफ करके इसके ऊपर बराबर ऐसा रखेंगे, ये देखो बराबर रख के ये स्क्रू जो है वो फिर से हम यहाँ टाइट कर देंगे। तो ध्यान में रहे ये हमें पूरा टाइट करके लेना है। इसके बाद थोड़ा कपड़ा लेके यहाँ से भी हम ये सब साफ करके रखेंगे, नहीं तो यहाँ भी कहीं कभी कभी एक धागा अटक सकता है छोटा सा, तो ये भी हमने साफ कर लिया। इसके बाद फिर हम ये पोजीशन में लेंगे इसको और बराबर यही के यही ये फिट कर देंगे। हो गया, अभी थोड़ा सा इसको, हाँ दोस्तों इस तरीके से वो स्क्रू टाइट कर देंगे फिर लगा के। अच्छा, और ये ध्यान में रखें कि हमेशा सुई ऊपर रहनी चाहिए, ये लगाते समय भी और निकालते समय भी। अच्छा, ये सुई टाइटली लगाना पड़ता है। हाँ, टाइटली लगाना पड़ता है, अगर ये चलाते चलाते नट ढीले हो गए तो ये पूरा ऐसे हिल जाएगा और मशीन आवाज भी बहुत करेगी और सिलाई भी बराबर नहीं आएगी और हो सकता है सुई टूट जाएगी बार बार, या शटल के अंदर जो हमने बॉबिन केस वगैरह लगाते हैं वो भी टूट जाने की संभावना होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना ही, क्योंकि अभी अभी कुछ और जानकारी हमको, और अभी फिर इसको इसी पोजीशन में रखते हैं, अभी कुछ और जानकारियां हमको इस मशीन पर चाहिए हैं, इस और जानकारियां इस मशीन पर चाहिए हैं, उसको हम अगले वीडियो में आपके सामने पेश करेंगे, आप इंतजार करते रहें। धन्यवाद। ओके।